गुड आफ्टरनून बच्चों। क्लास फर्स्ट ईयर की लास्ट क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था फंक्शन क्या होता है, लिमिट्स क्या होते हैं। तो लिमिट्स में मैंने एक्सप्लेन किया था, कोई फंक्शन अगर किसी वैल्यू तक टेंड करता है, जैसे एफ एक्स किसी वैल्यू तक टेंड करता है तो एक्स की भी वैल्यू किसी वैल्यू तक टेंड करेगी। अगर एक्स ए माइनस पे टेंड करता है, यानी ए से कम वैल्यू होती है एक्स की, तो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा। राइट हैंड लिमिट कब होगा? जब एक्स टेंड करेगा ए प्लस पे, इसका मतलब एक्स की वैल्यू ए से ज्यादा होगी। इसको करने के लिए, जैसे सपोज दैट कोई क्वेश्चन है हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू। अगर यहाँ पे एक्स टेंड कर रहा है 2 माइनस पर, 2 माइनस का मतलब ये हुआ कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट है ये। अब हम एक्स के प्लेस पे एक वैल्यू पुट करेंगे आर्बिट्रेरी, कोई वेरिएबल लेके, जैसे 2 माइनस एच। क्योंकि 2 माइनस है इसलिए हम किसी वेरिएबल को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये कब होगा? जब एच टेंड करेगा 0 पे। यहां पे हम जब एक्स टेंड कर रहा है 2 माइनस पर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू है, तो एक्स के प्लेस पे हमें पुट करना है 2 माइनस एच। इसी तरह अगर राइट हैंड लिमिट होती, एक्स टेंड करता 2 प्लस पर, तो हम पुट करते हैं यहाँ पे 2 प्लस एच। क्लियर हो गई बात? अब यहां से एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस टू व्हेन एच टेंड्स टू 0। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पे एक्स टेंड्स टू 2 प्लस होता तो हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या पुट कर देते? 2 प्लस एच। क्लियर हो गई बात बच्चों? अब हम यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं। सपोज द फंक्शन इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 3, दैट इज एक्स इज नॉट इक्वल टू 3 एंड एक्स इज इक्वल टू 3 पे वो फंक्शन क्या हो जा रहा है? 0। अगर इक्वल टू 3 नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू है मॉड एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 3। इस कंडीशन में हमें फाइंड करना है लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 3 एंड राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 3। यहां पे हम कंडीशन देखें, अगर हमें राइट हैंड लिमिट एक्स इज इक्वल टू 3 पे निकालनी है और लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स एक्स इज इक्वल टू 3 पे निकालनी है, अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो एक्स की वैल्यू 3 से क्या होगी? कम। अगर राइट हैंड लिमिट लेंगे तो एक्स की वैल्यू 3 से क्या होगी? ज्यादा। तो इस कंडीशन में अगर एक्स इज नॉट इक्वल टू 3 है, यानी एक्स की वैल्यू 3 से कम भी हो सकती है और 3 से ज्यादा भी हो सकती है। एक्स इज नॉट इक्वल टू 3 का मतलब क्या हुआ? एक्स की वैल्यू या तो 3 से ज्यादा होगी या तो 3 से कम होगी। इस कंडीशन में अगर एक्स की वैल्यू 3 से कम होगी, इस कंडीशन में यहां पे मॉड के बाद ये ब्रैकेट अगर लगाएंगे एक्स माइनस 3, तो इसके आगे क्या आ जाएगा? माइनस। क्योंकि 3 से कम होगी तो वैल्यू क्या होगी? माइनस में जाएगी। अगर 3 से ग्रेटर होगी एक्स की वैल्यू, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। 3 से कम है वैल्यू, यानी ये पूरा टर्म क्या हो गया? निगेटिव। और 3 से ग्रेटर है ये वैल्यू, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और एक्स इज इक्वल टू 3 पे तो वैल्यू दी ही हुई है कि ये 0 ही होगी। क्लियर? अब हमने सॉल्व करने का मेथड, अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम एफ एक्स अगर लेते हैं तो एक्स की वैल्यू कहां तक टेंड करेगी बेटा? 3 माइनस। कहां तक टेंड करेगी? 3 माइनस। 3 माइनस मतलब 3 से कम पर ये पूरा क्या होगा? निगेटिव होगा। और 3 से ज्यादा पे ये पूरा टर्म क्या होगा? पॉजिटिव होगा। 3 से कम पे पूरा टर्म क्या हो गया? निगेटिव। और इसकी वैल्यू क्या है? माइनस एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 3। यहां पे हमने बोला है अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, 2 से वैल्यू कम थी तो एक आर्बिट्रेरी वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, 2 माइनस एच ले लिया। उसी तरह अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू 3 से कम है तो हम एक वेरिएबल लेंगे 3 माइनस एच। क्या लेंगे? 3 माइनस एच। तो यहां हो जाएगा माइनस 3 माइनस एच माइनस 3 अपॉन एच माइनस 3। ये देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट, ऊपर प्लस एच हो गया, नीचे माइनस एच हो गया, कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या आ गई? -1। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे कितना आ गया? -1। अब हम बात करेंगे राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट अगर हम लेंगे तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बेटा? लास्ट लास्ट वाला वीडियो चेक कर लेना। हम यहाँ डायरेक्टली लिखते हैं एक्स टेंड्स टू 3 प्लस। राइट हैंड लिमिट लेना है यानी 3 से ज्यादा होगी वैल्यू। इस कंडीशन में जब 3 से ज्यादा है वैल्यू, 3 से ज्यादा होगी वैल्यू एक्स की, तो ये पूरा टर्म क्या होगा? पॉजिटिव। 3 से कम होगी तो ये पूरी वैल्यू क्या थी? निगेटिव। अब पॉजिटिव टर्म क्या है हमारे पास? एक्स माइनस 3
एक्स माइनस थ्री। क्लियर हो गई बात। अब इस कंडीशन में फिर हमें x टेंड कर रहा है 3 प्लस पे यानी राइट हैंड लिमिट, यानी अब यहां पे हमें x इज इक्वल टू 2 माइनस एच नहीं, अब वैल्यू ज्यादा हो गई है इसलिए हम यहां पे क्या पुट करेंगे 3 प्लस एच। क्या पुट करेंगे 3 प्लस एच, क्या पुट करेंगे x की वैल्यू 3 प्लस एच। अब यहां पे पुट किया जाए, जरा वैल्यू को देखा जाए, x टेंड टू 3 प्लस, 3 प्लस एच माइनस 3 अपॉन 3 प्लस एच माइनस 3, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ये आ गया h अपॉन h, ये वैल्यू क्या आ गई 1। तो ये था बहुत ही इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फिर से देखिएगा, x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 3 थी, यानी या तो 3 से ग्रेटर होगा या तो 3 से लेसर होगा। जब 3 से लेसर होगा तो ये पूरी वैल्यू निगेटिव होगी, जब 3 से ग्रेटर होगा तो पूरी वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव होगी। क्लियर हो गई बात। और 3 पे 0 तो था ही ये पूरा फंक्शन, तो पहले हम लेफ्ट हैंडेड लिमिट निकालेंगे तो x की वैल्यू कहां से टेंड करेगी 3 से कम, तो हम पुट करेंगे x के प्लेस पे 3 माइनस h। किस पे होगा ये, जब h टेंड करेगा 0 पे, ये हो गया हमारा माइनस 1। और राइट हैंड लिमिट हमने निकाली इस तरह से, ये आ गया हमारा प्लस 1। एनी डाउट इसको आप लगाइए इस पे बेस्ड क्वेश्चन। फिर हम नेक्स्ट टर्म पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लिमिट बताएंगे और एक रेशनल नंबर का भी लिमिट बताएंगे। क्लियर हो गई बात। थैंक यू। इसके आगे का क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर हम आगे आपको एक्सप्लेन करते हैं। ओके, थैंक यू।